लेकिन आज जो है मोदी सरकार ने जो नारा लिया है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास बना के रखना है और सबका विकास करना है सबका काम करना है लगता है उसको मिल रहा है 2000 रुपया किसानों को अगर जो किसान जो है ठीक है किसान है अगर तो उसको मिल रहा है। मैं परसों भी डी साहब के पास बैठा था उन्होंने कहा कि हम कोई 25,000 लोगों को जो है निकाल रहे हैं कौन से निकाल रहे हैं जो मुलाजिम है मुलाजिम होते हुए भी वो 2000 रुपया ले रहे हैं। अब ऐसे हमारे सरपंचों ने बेड़ा गर्क किया है कि उन्हीं लोगों कितनी सारी स्कीमें हैं वो मिशन यूथ के तहत जो भी बेरोजगार नौजवान है मेरे भाई उनको गाड़ियां दी जा रही है सब्सिडी दी जा रही है लोन्स दिए जा रहे हैं पार्टी है जिसमें आप वहां पे पीछे बैठा हुआ आदमी कल यहाँ बैठ सकता है लेकिन दूसरी पार्टियों में अगर फारूक अब्दुल्ला है तो उसका बेटा ही राजपाल थे तो उनकी बेटी ही राज करेगी कांग्रेस में राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से सोनिया गांधी से आज राहुल गांधी वही लोग राज कर रहे हैं लेकिन बीजेपी में हर बार कोई ना कोई चेंज हो रहा है। ये बताएं कि आज किस विषय पर जो है आज मेंढर का दौरा हुआ और क्या कुछ जो है यहाँ पर आप आज जो है युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। देखिए आज हमारी जो मेंढर के अंदर बहुत से नौजवान काफ़ी देर से जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सोच रहे थे और आज जो है बहुत से नौजवान भाइयों ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आज दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि रोज़ कितनी तादाद में जो है लोग जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इसका मकसद यही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ देखते हुए उनके काम देखते हुए उनकी स्कीम्स देखते हुए कि वो आज की डेट में जो है पूरे विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और वो कैसे कैसे नौजवानों के बारे में सोच रहे हैं या और लोगों के बारे में वो सोच रहे हैं या जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे कैसे वो विकास की ओर जम्मू कश्मीर जा रहा है तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए आज हमारा मेंढर के अंदर प्रवास था और मेंढर के अंदर हमने जो है संगठन को भी कैसे मजबूत किया जाए इन नौजवानों के हाथों और नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थामा है तो इसलिए आज हमारी एक संगठन की भी बैठक होगी और नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थामा। हमने इनको आश्वासन भी दिया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मिशन 50 के तहत अपनी सरकार भी बनाएगी और उसमें आप सब लोगों का जो है योगदान रहेगा आप सब लोगों की मेहनत रहेगी। तो आज मेंढर में आने का यही विषय था खास कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को मेंढर के अंदर कैसे स्ट्रांग किया जाए कैसे मजबूत किया जाए ताकि आने वाले चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी पुंछ की जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की कॉन्स्टिट्यूंसी तीन हैं जो सुरनकोट मेंढर और हवेली तीनों सीटें हम निकाल के जो है भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री बनाए और जिससे जो है आने वाले समय में इन लोगों का विकास हो सके।